नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई में सेना की कोई जरूरत नहीं, लोगों का अनुशासित रहना काफी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि पिछले 2-3 दिनों से अफवाह है कि मुंबई में सेना तैनात की जाएंगी। यहां सेना की तैनाती की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी का अनुशासित रहना काफी रहेगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, अब तक हमारे पास कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 19,000 के पार के आंकड़े हैं। यह एक बड़ी संख्या है। 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी CBSE की 10वीं और 12वीं लंबित बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को बताया कि CBSE की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि केवल 29 मुख्य विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण, संस्थानों को बंद करने के कारण परीक्षा में देरी हुई थी। मजदूरों से 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था फिर लागू करना दुखद। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है कि कोरोना प्रकोप में मजदूरों श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, फिर भी उनसे 8 की जगह 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद है। उन्होंने कहा, श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़, श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, ना किसी भी उनके अहित में। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाईकोन इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।